हेलो दोस्तों दोस्तों हम गए थे पूर्णरासर मंदिर, पूर्णरासर बालाजी धाम, और वहीं का ये वीडियो है। आज मैं आपको पूर्णरासर बालाजी धाम का पूरा इतिहास बताऊंगी। पूर्णरासर गांव है बीकानेर जिले में, और जयपुर बीकानेर राजमार्ग से 15 किलोमीटर दूर ये धाम है, पूर्णरासर बालाजी धाम। करीब 300 साल पहले विक्रम संवत 1775 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा पर मंदिर की नींव रखी गई थी। स्थापना के बाद यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आने लगे और मंदिर भव्य रूप लेता गया। बहुत ही अच्छा मंदिर है और बालाजी यहाँ भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। दोस्तों इस मंदिर का इतिहास है, यह मंदिर की स्थापना की थी जयराम दास ने, और 1774 में इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो जयराम दास जी अपने कुछ लोगों के साथ, मित्रों के साथ पंजाब की तरफ चले गए अनाज लेने के लिए। ऊँटनी को साथ लेकर गए थे, तो वहाँ से अनाज लेकर वापस आ रहे थे, तो जंगल के अंदर वो ऊँटनी का पैर में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया या टूट गया, वो ऊँटनी बैठ गई, उसे आगे नहीं चला गया। तो जयराम दास जी ने कहा अपने मित्रों से कि तुम लोग गांव चले जाओ, मैं इस हालत में ऊँटनी को छोड़कर नहीं आ सकता, तो मैं इसके पास ही रहूँगा, इसकी सेवा करूँगा, और तुम लोग गांव चले जाओ, वहाँ से कुछ दवाई लेकर आ जाना। तो जयराम दास जी वहीं पर रहे और शाम हो गई, सो गए, उनके मित्र चले गए वापस, सो गए। तो वो सो रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा लगा कि आवाज़ आ रही है कि सो रहे हो क्या या जाग रहे हो। तो उन्होंने जाग कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, तो फिर से एक आवाज़ आई कि जाग रहे हो या सो रहे हो। तो फिर उन्होंने देखा उनके इष्ट देव हनुमान जी तो थे ही, तो उन्होंने हनुमान जी से को सिंवरा मन ही मन में और कहा कि आप जो भी हो सामने प्रकट हो। तो उनके सामने एक साधु, हनुमान जी साधु के वेश में प्रकट हुए। खेजड़ी के नीचे जयराम दास जी बैठे हुए थे और उस खेजड़ी के नीचे एक हनुमान जी की मूर्ति थी। तो साधु ने कहा कि इस मूर्ति को गांव ले जाओ और इसकी स्थापना करो, इसकी पूजा आरती करो। तो जयराम दास जी ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी ऊँटनी से चला नहीं जा रहा है। उन्होंने अपनी हालत बताई, तो साधु ने कहा कि तुम इस मूर्ति को लो और ऊँटनी पर बैठो। तो वो मूर्ति को लिया और ऊँटनी पर बैठे, तो ऊँटनी चलने लगी, और जो मित्र उनके आगे जा रहे थे उनसे वो पहले गांव पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने एक खेजड़ी के नीचे मूर्ति की स्थापना की और उनकी आरती पूजा करने लगे। और जयराम दास जी का पूरा नाम है जयराम दास बोथरा, बोथरा परिवार से हैं, और अभी वहाँ पर एक धर्मशाला भी बनाई गई है जयराम नाम से, और 108 कमरे है उसमें, और सारी व्यवस्था है वहाँ पर। जो यात्री आते हैं उनके लिए जनरल कमरे हैं, निःशुल्क कमरे देते हैं उनको, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है वहाँ पर। और वो वहाँ पर ऊंचे आले के अंदर राम जी की मूर्ति को स्थापित किया, और उनके चरणों में, हनुमान जी उनके भक्त हैं तो उनको उनके चरणों में मूर्ति को स्थापित किया गया है। और यहाँ पर आरती होती है, दिन में 2 बार आरती होती है। यहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है पूर्णरासर धाम को। श्रद्धालुओं की इच्छा पूर्ति करते हैं, उनकी कामना पूरी करते हैं बालाजी। और अब हम मंदिर में दर्शन करके भगवान जी के और फेरी दे रहे हैं। हनुमान जी के चूरमे का भोग लगता है, चूरमे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन लड्डू या पेड़े भी चढ़ा सकते हैं, तो हमने तो लड्डू और पेड़े भी चढ़ाए थे, लेकिन भोग चूरमे का लगता है हनुमान जी को। और ये है खेजड़ी, ये खेजड़ी 300 साल पहले
पहले की है और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की थी। और यहाँ पर अभी श्रद्धालु आते हैं और अपने बच्चों का झोला उतारते हैं, और बोथरा परिवार ने इसके लिए नाई भी रखा है। और श्रद्धालु यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं और मौली भी बांधते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।